नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आपको इटावा में कल शाम से लगातार हो रही रिमझिम रिमझिम बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। किसानों की मुश्किलें हुई तेज, कुदरत के कहर से किसानों की आलू की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। भीषण ठंड के मौसम में बारिश के कहर से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश ने अगर और होती है किसानों की गेहूं और कई फसलों का नुकसान हो सकता है। किसानों की मुश्किलें बड़ी फसलें को हुआ नुकसान, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जलभराव से परेशानी, बारिश के साथ हवाओं ने मौसम को किया सर्द, लोग घरों में दुबकने को हुए मजबूर, लगातार बारिश से जिलाधिकारी ने की स्कूलों की छुट्टी, बारिश लगातार अभी भी है जारी। इटावा से रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट। बाढ़ जैसे हालात दिखाई देते, क्या वजह है यहाँ? ये मेन हाईवे है और इसमें सर्विस रोड अभी तैयार न होने की वजह से जो NHAI के अंडर अगर ये हाईवे है तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक इसको कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं वो, तब तक जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए तो नगर पालिका को आगे आना चाहिए। अगर नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से ये बाहर है तो NHAI को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस पानी का कोई उपयुक्त समाधान करना चाहिए। तो पानी का कोई ऐसा निकास नहीं है जिस तरीके से पानी को निजात दिया जाए? जी, अभी तो ये बिल्कुल मिनिमम बारिश हुई है। अगर बहुत अधिक तेज अगर बारिश होती है तो उस बारिश के कारण मोहल्लावासी या समस्त जो यहाँ लोग हैं उनको बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या लगता है स्थानीय लोग हैं उनके घरों में पानी भी भरता है क्या है? जी, जब ये नालियों का ड्रेन का पैकेज नाले में बंद हो जाएगा और नाले का भाव आगे नहीं जाएगा तो रिटर्न जब वापस जाएगा तो ये घरों का भाव बंद हो जाएगा। घरों में गंदगी फैलना स्वाभाविक है। तो क्या लगता है नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? नगर पालिका को तो पूर्णतः हम इसमें दोषी नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये जो सर्विस रोड है वो NHAI के अंडर में आता होगा शायद, और NHAI अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो NHAI का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था इस बारिश में अपने कार्य को अगर पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था इस पानी की करनी चाहिए। अगर NHAI इस कार्रवाई को नहीं कर पाता है, उसमें नहीं है, तो संबंधित विभाग